हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेस्ट साइंस एकेडमी। और आज हम इवोल्यूशन के कुछ टर्मिनोलॉजी बताएंगे आपको, पढ़ेंगे यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आई होप कि आपको समझ में आएगा और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि आप उसको सॉल्व करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि सिनप्लीजियोमॉर्फी क्या होता है। तो उससे पहले आपको यहाँ डायग्राम में आप देखिए, सिनप्लीजियोमॉर्फी, ये जो यहाँ डायग्राम दिखा रखा है, ये सिनप्लीजियोमॉर्फी का डायग्राम है। और उससे पहले कि आपको पता होना चाहिए प्लीजियोमॉर्फी क्या होता है। प्लीजियोमॉर्फी का मतलब होता है कि वो करेक्टर जो ड्राइव्ड करेक्टर होता है, जो उनके एंसेस्टर के किसी भी ऑर्गेनिज्म के, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने करेक्टर को उसके एंसेस्टर से लेकर आता है तो उसको प्लीजियोमॉर्फी मतलब बोलते हैं। और अगर हम वर्ड यूज करते हैं एपो, एपो का मतलब होता है कि एडवांस करेक्टर, या फिर यू कैन से कि इवॉल्व करेक्टर। तो दो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी होती है। पहला जो है यहाँ पर सिनप्लीजियोमॉर्फी है। सिन का मतलब पता ही आपको, एक साथ, अगर कोई एक साथ दो करेक्टर, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एक साथ अगर दो करेक्टर, यहाँ आप देखिए, ये जो एक साथ दो करेक्टर उन किसी भी ऑर्गेनिज्म के कॉमन एंसेस्टर से आते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिनप्लीजियोमॉर्फी। और एपोमॉर्फी का मतलब क्या है कि एपो का मतलब होता है कि वो करेक्टर जो ड्राइव करेक्टर नहीं है, उसका इवोल्व करेक्टर है। ड्राइव करेक्टर का मतलब होता है कि अगर जो ड्राइव करेक्टर की जो उसने किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपना एंसेस्टर से लिया हो। बट अगर हम बात करें इवोल्व करेक्टर की, जैसे आप यहाँ देखोगे कि एपोमॉर्फी में इवोल्व करेक्टर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्व करेक्टर को हम एपोमॉर्फी बोलेंगे, कि वो उसके जो ड्राइव करेक्टर नहीं होता, इसलिए जो जो आपका इवोल्व करेक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो एडवांस करेक्टर होता है। क्योंकि अगर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपका रेप्टाइल है उसमें 3 चैम्बर हर्ट होता है, बट अगर हम बात करें मैमल्स और बर्ड्स की, उनके 4 चैम्बर हर्ट होता है। तो जो चैम्बर हर्ट है इनका, 4 चैम्बर हर्ट, वो उनका इवोल्व करेक्टर है, उनके एंसेस्टर से वो नहीं मिला, इसलिए क्या है कि वो एपोमॉर्फी होता है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर कोई दो करेक्टर, जैसे यहाँ पे आप देखो, ये दो स्पीसीज हैं, यहाँ सॉरी मतलब दो ऑर्गेनिज्म, इनका जो करेक्टर है वो यहाँ पे दोनों में एक जैसा करेक्टर है, तो एक अगर दोनों में एक साथ है तो सिन एपोमॉर्फी। आप यहाँ पे डेफिनेशन देखो, कॉमन करेक्टर स्टेट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। अगर कोई कॉमन करेक्टर दो ऑर्गेनिज्म के अंदर है, प्रेजेंट इन रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, और उनके जो रिसेंट कॉमन एंसेस्टर है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, बट नॉट इन एंसेस्टर, और उनके जो एंसेस्टर के एंसेस्टर्स होते हैं उनमें नहीं होता। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये जो करेक्टर है यहाँ पर, ये दोनों में है, और इनके एंसेस्टर के इसके अंदर भी, बट इसके जो एंसेस्टर का एंसेस्टर है यहाँ, ये करेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिन एपोमॉर्फी। सिन प्लीजियो आपको बताया था, प्लीजियो का मतलब होता है प्रिमिटिव करेक्टर, कि वो ड्राइव्ड करेक्टर होता है, जो प्लीजियो मतलब ड्राइव्ड करेक्टर, और ये जो ज़्यादा करेक्टर होता है ये ज़्यादा एडवांस करेक्टर नहीं होता, क्योंकि जो लेटेस्ट है जो करेक्टर, वो ड्राइव्ड किया गया करेक्टर है नए इन्वायरमेंट के लिए, वो ज़्यादा एडवांस होता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि होमोप्लेजी क्या होता है, होमोप्लेजी का मतलब होता है कि अगर करेक्टर शेयर्ड बाई ए सेट ऑफ स्पीसीज बट नॉट प्रेजेंट इन देयर कॉमन एंसेस्टर। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई करेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है और वो उसके कॉमन, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसका कोई भी कॉमन एंसेस्टर में इस तरह के करेक्टर देखने को नहीं मिलते जो उनके फ़िलहाल मौजूद वहाँ है। मतलब कहने का ये है सीधा, होमोप्लेसी के अंदर उनके कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता। तो दोस्तों, ये चलिए एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर, CSIR जो नेट 2017 में जून में आया था, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कि उसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन और अच्छे से समझोगे।
तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन था आज, ये क्वेश्चन सेक्शन सी में आया था, और ये जो क्वेश्चन है सेक्शन सी का, ये 2017 का क्वेश्चन है, और इन्होंने यहाँ पे पूछा था, फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट वेरियस वेज इन विच ए करेक्टर मे बी इवॉल्व, कि जो कौन सा करेक्टर इस डायग्राम के हिसाब से, मतलब जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायग्राम के हिसाब से, कि कौन सा सिंपलेज हो, कौन सा सॉरी मतलब होमोप्लेजी है, और ऑटो है, या फिर मतलब इस तरह से प्लीजियो है, एपो है, इस तरह से एक ये क्वेश्चन था आपका। तो देखो अभी आपको एक चीज़ बताई थी हमने, सबसे पहले हम ए वाला देखते हैं अगर, तो हमने अभी एक चीज़ बताई थी आपको कि ए जो है ये इसका एक करेक्टर है, और ये जो करेक्टर है ये दोनों ड्राइव्ड करेक्टर नहीं है, ये इनके इवोल्व करेक्टर हैं, क्योंकि ये जो करेक्टर इसके कॉमन एंसेस्टर में भी यहाँ ये है और यहाँ ये है, इसका मतलब ये एपो, इसका मतलब एपोमोर्फी है, बट ये कह रहे हैं कि ये दोनों में है, इसका मतलब ये क्या है, जब दोनों में होती है कोई भी करेक्टर और उसके रिसेंट एंसेस्टर में भी हो, तो इसका मतलब ये है ये एपो, या फिर यू कैन से कि दोनों में है तो एपोमोर्फी है, तो सिन एपोमोर्फी हम कहेंगे इसको। तो हम देखते हैं कि सिन एपोमोर्फी जो ए है वो ऑप्शन ए में तो ऑटो एपोमोर्फी है, और ऑप्शन जो बी है सेकंड है उसमें भी ऑटो है, और सिन एपोमोर्फी थर्ड और फोर्थ में सिन एपोमोर्फी है, तो ये थर्ड और फोर्थ में से कोई होगा। तो चलो देखते हैं अगला जो है बी को हम चेक करते हैं, बी क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो करेक्टर है ये इनके कॉमन एंसेस्टर में नहीं है, और आपको एक चीज़ अभी बताई थी हमने कि जो करेक्टर अभी लेटेस्ट हो बट किसी भी कॉमन एंसेस्टर में ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम होमोप्लेसी बोलते हैं, तो ये होमोप्लेसी हुआ, ये सिन एपोमोर्फी हुआ। और अगर हम बात करें सी की, तो सी में क्या है कि ये जो है ये करेक्टर यहाँ है और किसी के अंदर नहीं है, तो ये इसका जो ऑटोमेटिक ये अपने आप ही इसने करेक्टर को क्या करा है, इवोल्व किया है, तो इस तरह से जो होता है उसका वो होता है कि ऑटो एपोमॉर्फी। तो ये इसका जो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से जो इसका ऑप्शन है वो फोर्थ सही ऑप्शन है बिल्कुल। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करें, और बाकी नेक्स्ट वीडियो आप अगर आपको अच्छी लगी तो मैं कमेंट्स में आप मुझे मैसेज करो, और देखते हैं हम ऑन डिमांड वीडियो बनाते हैं जो भी आपका टॉपिक है उससे, और आई होप कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी इससे भी हम बेहतर उसमें परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।